तो ये देखो पैंट मैंने नीचे पहनी हुई है। अंकल, मैं बहुत आलसी हूँ, इतना आलसी हूँ ना, 7 साल से मैं एक ही अंडरवियर पहना हूँ। अच्छा तो वो जो शुरू में स्मेल आई थी वो अंडरवियर की थी, मुझे लगा शोर मरा पड़ा है। हाँ जी आप बताइए। मैं इतनी आलसी हूँ कि अपने शादी का मेकअप अब तक उतारा। ये आपका शादी का मेकअप है? बड़ा गलत किया, ब्यूटी पार्लर लूट लिया आपको। हाँ जी आप बताइए भी, आप में क्या क्वालिटी ऐसी? क्या है कि मैं तो भाई साहब इतना बड़ा आलसी हूँ, इतना बड़ा आलसी हूँ। चलो छोड़ो, क्या बताना। लग तो रहा कि आप सबके सब आलसी हैं। बात ये है कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है भाई, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल बताया था हमें आलस चेक करने के लिए, उन्होंने हमें एक यंत्र दिया है। उन्होंने बोला है कि ये कोड़े हैं, ये 20-20 कोड़े एक एक बंदे को मारने हैं, जिसने सहन कर लिया वो आलसी है, जिसने नहीं किया वो नहीं है। हाँ इधर से शुरू करता हूँ। अंकल अंकल अंकल, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं डेली योगा जाता हूँ। ये देखिए, ये वाह, तुम तो फिट हो भाई। वेरी गुड वेरी गुड, फिट तो तुम हो, पर भाई 20,000 रुपया तुम्हारा मर गया, अब बचे 60,000 रुपये। अब किधर जाए भाई? तुम्हारी बड़ी भाई। अंकल जी, अंकल जी, मैं आलसी थोड़ी हूँ, ये देखो यार इतनी एनर्जी है मेरे में यार। ये तो मैंने आपके लिए बाल ऐसे किए, वरना तो मैं स्पाइकी रखता हूँ। आलसी नहीं है बेटा, नहीं 20,000 तुम्हारा मर गया, अब बचे 40,000। अगर आलसी नहीं तो उधर जाओ, उधर जाओ, अलर्ट बंदों में जाओ भाई, जाओ जाओ उधर जाओ, उधर जाओ। अब बारी है भाभी जी आपकी। ये बहुत आलसी है भाई, आलसी तो मैंने देखी नहीं कभी पहले। मैं आलसी नहीं हूँ, मेरे को 20,000 रुपए नहीं चाहिए। देखो मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं डांस करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ। अच्छा एंटरटेन करती है आप, उधर जाइए, उधर उधर जाओ जाओ, चलो निकलो। देखो भाई 80,000 में से 60,000 तो गए आपके, अब बचे हैं 20,000। वो देखते हैं कि ये बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। देखो भाई इतने कोड़े मेरे से मारे नहीं जाएंगे, इसलिए कोड़े कैंसिल, अपने अपने जूते उतार लो, जूते मारते इनको। हमने हमको पहचाना ही नहीं। शर्मा जी भाभी जी को नहीं ले आए? ओए भाभी जी, ओए शर्मा, तूने बुर्ता बना दिया, पकड़ो इसे। ओए ओए शर्मा, बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने, तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। Thank you.
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।